रूपाली को लेकर क्या निरहुआ और उनकी पत्नी के बीच हो गया है सबसे बड़ा घमासान। जी हाँ, अगर किसी का पति किसी हीरोइन को कहेगा कि वो मेरी ड्रीम गर्ल है, वो मेरी स्वीट हार्ट है, तो भाई पत्नी को तो बुरा लगेगा ही। जी हाँ, हम आपको यहाँ बता दें कि काजल राघवानी का शो इन दिनों मीडिया में खूब छाया हुआ है। काजल राघवानी का शो कुछ खट्टी कुछ मीठी में दिनेश लाल यादव निरहुआ मेहमान क्या बनकर आए, कई कंट्रोवर्सी को उन्होंने जगह दे दी। अब भाई एक कंट्रोवर्सी तो उनके घर में ही हो गई। अब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आम्रपाली दुबे के लिए कहा कि वो मेरी स्वीट हार्ट हैं, और वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली दुबे ने कहा कि आप मुझे खूब याद भी किया कीजिए। इसी लाइव शो में आम्रपाली दुबे ने भी अपना मैसेज निरहुआ के लिए दिया कि आप मुझे खूब याद कीजिए, मैं भी आपको याद करूँगी। अब ऐसी बातें किस पत्नी को हजम होंगी। ऐसे में तो निरहुआ के घर झगड़ा तो ज़रूर हुआ होगा। वैसे निरहुआ माहिर हैं भाई कंट्रोवर्सी को शांत करने में। वैसे भी निरहुआ के हाथों भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, और निरहुआ बखूबी जानते हैं कि लोगों के लिए अपनी बात किस तरह रखनी है, फिर वो चाहे घर हो या बाहर हो। तभी तो सीक्रेट मैनेज करने में निरहुआ का सानी कोई नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आम्रपाली से प्यार वो तो बहुत करते हैं, लेकिन ये किसी को ये नहीं पता है। अब भाई सीक्रेट को यानी कि राज को राज रखने में सबसे ज़्यादा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को महारत हासिल है तो वो दिनेश लाल यादव निरहुआ है। अब भाई क्या आज तक आपने कभी निरहुआ की पत्नी की फ़ोटो देखी है? कभी उनके साथ उनकी पत्नी की फ़ोटोग्राफ देखी है? हर जगह आपने तो सिर्फ आम्रपाली दुबे या फिर पाखी हेगड़े की फ़ोटोज़ देखी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि निरहुआ झूठ कहेंगे। वैसे भी आम्रपाली के दिल में और निरहुआ के दिल में एक दूसरे का ही राज है, यानी कि निरहुआ के दिल में आम्रपाली बसती हैं और आम्रपाली के दिल में निरहुआ। तो आम्रपाली दुबे ने ये बात भी कह दी है कि जब उनके मन लायक कोई मिल जाएगा वो शादी कर लेंगी। अब उनके मन लायक अगर निरहुआ ही हैं तो वो शादी निरहुआ से कैसे करेंगी। वैसे कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दबे छुपे लफ्जों में कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन बात को सीक्रेट रखा हुआ है। अब भाई इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम तो नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि सीक्रेट को सीक्रेट बनाना तो कोई निरहुआ से सीखे, यानी कि राज को राज बनाना तो कोई दिनेश लाल यादव निरहुआ से ही सीखे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।